أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dear students. I hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. This is going to be your 7th lesson. In this lesson, we will discuss unit number 10. I hope you all are ready. So the material required for this lesson is lead pencil, eraser, highlighter, blue marker, blue pen, ruler, notebook and mathematics textbook. I hope that you have all these things and you are ready for your lesson. So the chapter we are going to do unit number 10, factorization of algebraic expressions. In this lesson we will learn about factorization by using algebraic identities. By the end of this lesson you will be able to understand how to factorize algebraic expressions using algebraic identities. Okay, dear students, now come to the page number 127. Write today's task here, date here, and day here. One is neither a prime nor a composite number. Prime number kaun se hote hain aur composite number kaun se hote hain? Prime number, a number which is divisible by one and itself is known as prime number. Prime number wo hote hain जो सिर्फ वन और अपने आप के अलावा किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होते, वो कौन से होते हैं? प्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन. टू के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो वन और वो नंबर इटसेल्फ यानी टू. टू के फैक्टर्स कौन से होंगे? वन और टू. थ्री के भी कौन से होंगे? वन एंड थ्री. कंपोजिट नंबर, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड अदर नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स कौन कौन से हो, वन हो, वह नंबर इटसेल्फ भी हो और उसके अलावा वह नंबर जिस जिस टेबल पे डिवाइड हो रहा हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 4. 4 के फैक्टर्स कौन से होंगे? एक तो होगा 1 और सेकेंडली 4 इटसेल्फ. और 4 किस पे डिवाइड होता है? 2 पे. 4 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1, 2 एंड 4. एक और नंबर ले लें 6. 6 के कौन से होंगे फैक्टर्स? 1, 2, 3 एंड 6. 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 हमारे पास क्या है? इवन प्राइम नंबर है. इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 और 2. प्राइम नंबर्स यही है ना, एक उसका फैक्टर क्या होता है? 1 और सेकेंडली वो नंबर इटसेल्फ. ओनली प्राइम नंबर्स 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. ये सारे प्राइम नंबर हैं, इन सबके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2. फर्स्ट फैक्टर कौन सा होता है? 1 और सेकेंडली वो नंबर इटसेल्फ. यानी हम नंबर लेते हैं अगर 7, तो 7 के कौन से 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे? फर्स्ट फैक्टर तो होगा 1 और सेकेंड फैक्टर क्या होगा? 7. लुक एट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42. 42 के हमने बताने हैं प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके कौन से फैक्टर्स हो? 1 और वो नंबर इटसेल्फ. इसी तरह हमने 42 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3 और 7. लेकिन अगर हम लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 42 आर, तो 42 के फिर कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42. अगर प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो फिर हमने वो नंबर चूज करने हैं जिनके आगे फैक्टर्स कौन कौन से बने? सिर्फ 1 और वो नंबर इटसेल्फ. और अगर हमने फैक्टर्स लिखने हैं तो फैक्टर्स में फिर वो सारे नंबर आ जाएंगे जो उस टेबल पे डिवाइड होते हैं. 42 के फिर टेबल 2 पे भी डिवाइड होता है, 42 3 पे भी होता है, 6 पे भी होता है, 7 पे, 14 पे, 21 एंड 42. हाईलाइट दीज लाइंस. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पेज नंबर 128. राइट टुडेस टास्क हियर, डेट हियर एंड डे हियर. फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. To put it simplify when ABC is equal to A multiply B multiply C. ABC हमारे पास combined form में है. जब हम इसके factors लिखेंगे तो that means वही सारे numbers आते हैं जो इनको multiply करके वो factor gain बनता है. Factors of ABC हमारे पास क्या आगे? AB और C. If an expression containing two or more terms possesses a common factor, then that factor is a factor of each term. अगर expression दो या दो से ज़्यादा term पर मुश्तमिल एक मुश्तरका common factor रखता है, तो वह फैक्टर हर टर्म का फैक्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए सी. इन दोनों टू टर्म्स हैं, इनमें मुश्तरका कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? ए. तो इसको लिख सकते हैं ए जो कॉमन है वो बाहर आ गया और ब्रैकेट में बाकी क्या आ गया? बी प्लस सी. सिंस ए इज अ फैक्टर कॉमन टू बोथ ए बी एंड ए सी, सो ए एक्सटेंड ओवर द ब्रैकेट. ब्रैकेट में फिर क्या आ जाएगा? बी प्लस सी, और जो कॉमन फैक्टर है वो ब्रैकेट से बाहर आ गया. हाईलाइट दीज लाइंस. Okay, dear students, now open your mathematics notebook and come to the page. Make title page here. Unit number 10, factorization of algebraic expression, introduction, definitions, question answers, and class assessment.
ओके नाउ राइट डाउन योर इंडेक्स. योर टू डेज इंडेक्स इज यूनिट नंबर 10 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज नंबर 10A. राइट टू डेज टास्क हियर, डेट हियर एंड डे हियर एंड योर टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज नंबर 10A. रिजॉल्व इंटू फैक्टर्स, हमने क्या करना है क्वेश्चन को जो हमें गिवन है हमको फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है, फैक्टर्स में चेंज करना है. क्वेश्चन नंबर 1, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर. सोल्यूशन, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर. देखिए यहाँ हमारे पास टू टर्म्स है, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है पी स्क्वायर क्यू. पी यहाँ कितने टाइम्स है, टू टाइम्स, क्योंकि पी की पावर क्या है टू, तो पी टू टाइम्स है और क्यू की पावर वन है तो क्यू क्या है वन टाइम. प्लस सेकेंड वाली टर्म में देखिए पी हमारे पास वन टाइम है और क्यू क्या है टू टाइम्स. अब हमने इन दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन हम वही चीज लेते हैं जो दोनों में सेम हो. फर्स्ट में पी टू टाइम्स है और क्यू वन टाइम है, और सेकंड में पी वन टाइम है और क्यू टू टाइम्स है, तो इसका मतलब हम पी क्यू दोनों में से कॉमन ले सकते हैं. टेकिंग कॉमन पी क्यू, पी क्यू हमने कॉमन ले लिया. अब देखिए फर्स्ट वाले में आपके पास पी स्क्वायर क्यू था, पी टू टाइम्स था और क्यू वन टाइम था, वन टाइम पी और वन टाइम क्यू बाहर आ गया, बाकी यहाँ हमारे पास क्या बच गया, पी बच गया. प्लस सेकंड में देखिए पी वन टाइम था और क्यू टू टाइम था, वन पी और क्यू बाहर आ गया, बाकी यहाँ क्या बच गया, पी तो वन टाइम था वो बाहर आ गया, क्यू कितने टाइम था टू टाइम्स, तो वन क्यू बाहर चला गया, बाकी इधर क्या बच गया क्यू. सो दिस इज योर आंसर. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, 3x³ - 15x² y. सॉल्यूशन, 3x³ - 15x² y. डियर स्टूडेंट्स पहले हम ये देखेंगे 3 और 15 इन दोनों का कॉमन डिवाइजर कौन सा है, कौन सा नंबर है जो 3 15 दोनों को डिवाइड करेगा. तो क्या हम 3 ऐसा नंबर है जो 3 पे भी डिवाइड होता है 15 पे भी, दैट्स मीन यहाँ 3 भी कॉमन आएगा. उसके अलावा देखिए हमारे पास एक्स क्यूब है फर्स्ट वाली वैल्यू में और सेकेंड में है x²y. y फर्स्ट वाली वैल्यू में नहीं है, दैट्स मीन y कॉमन नहीं आएगा. इसके अलावा देखिए x² है सेकेंड वाली वैल्यू में और फर्स्ट में x³ है, तो दैट्स मीन हम x² कॉमन ले सकते हैं. कॉमन हम वही चीज लेते हैं जो दोनों में सेम हो, हम राइट कर सकते हैं टेकिंग कॉमन 3x². अब देखिए पहले हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 3 और 15 का कॉमन डिवाइजर क्या आ गया 3, यहाँ आ गया 3. नेक्स्ट देखिए फर्स्ट वैल्यू में x³ है और सेकंड में x² है, दैट मींस x² बाहर कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या आ गया x². अब 3 को 3 पे डिवाइड किया वापस क्या आ गया 1. x³ था आगे, x³ में से x² बाहर आ गया, मतलब x³ टाइम्स था, 2 टाइम्स x बाहर आ गया, बाकी पीछे कितने x बच गए 1 टाइम x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x, आगे माइनस का साइन. नेक्स्ट देखिए 15 है तो 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 5 15, तो यहाँ क्या आ गया 5. अब नेक्स्ट थी x²y, x तो 2 टाइम्स था वो दोनों बाहर आ गए, बाकी यहाँ क्या बच गया y. सो दिस इज योर आंसर 3x² × 1x - 5y. क्वेश्चन नंबर 5, 5a² + 15a² b² 4. सॉल्यूशन, 5a² + 15 a² b² 4. 5a² + 15a² b² 4. फर्स्टली हम सेम एज यही देखेंगे 5 और 15 दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है, 5 और 15 दोनों किस टेबल में आते हैं, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, दैट्स मीन हम 5 कॉमन ले सकते हैं. उसके बाद देखिए फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास a² है यानी a 4 टाइम्स है और b² है यानी b 2 टाइम्स है. सेकेंड में a² है, डेट्स मीन्स a 2 टाइम्स है, b² है, डेट्स मीन b 4 टाइम है. तो हम सेम यानी कॉमन वही चीज लेते हैं जो दोनों में सेम हो, तो हम a² और b² दोनों में कॉमन ले सकते हैं. लिखेंगे हम यहाँ पे टेकिंग कॉमन 5a² b². फर्स्ट क्या आ गया 5 कॉमन. अब देखिए फर्स्ट वैल्यू में a² है, सेकंड में a² है, डेट्स मीन्स a² कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट में a 4 टाइम था और सेकंड में a 2 टाइम, तो यहाँ वापस क्या आ गया a². सेम एज इट इज, फर्स्ट में b 2 टाइम्स है और सेकंड वैल्यू में b 4 टाइम्स है, इसका मतलब दो दफा जो बी है हम कॉमन ले सकते हैं b², तो यहाँ क्या आ गया b². फर्स्ट 5 को 5 पे डिवाइड किया वापस क्या बच गया बाकी अंदर 1, a 4 था, a² बाहर आ गया और b² भी बाहर आ गया, तो बाकी उधर क्या बच गया a² प्लस 15 के टेबल में 5 कहाँ आता है, 5 3 15, तो यहाँ क्या आ गया 3, a² बाहर चला गया, बाकी इधर था b 4, उसमें से b² बाहर चला गया, बाकी यहाँ क्या बच गया b². दिस इज योर आंसर 5a² b² × 1a² + 3b²
Now your next question is question number 7. Am cube minus am square minus m plus 1. Solution: am cube minus am square minus m plus 1. ये स्टूडेंट देखिए, क्या हम इन चारों में से एक साथ कोई वैल्यू कॉमन ले सकते हैं? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिन चारों में से हम कॉमन ले सके, इसलिए पहले हम टू वैल्यूज में से कॉमन लेंगे, देन हम नेक्स्ट टू में से कॉमन लेंगे. पहले फर्स्ट टू में से ले लेते हैं. फर्स्ट टू वैल्यूज कौन सी है? ए एम क्यूब माइनस ए एम स्केयर. इन दोनों में क्या नंबर कॉमन है? एक तो ए कॉमन है, उसके अलावा फर्स्ट में एम 3 times है और सेकेंड में एम 2 times है. डेट्स मीन हम एम 2 times भी कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर कॉमन? ए एम स्केयर. अब देखिए, फर्स्ट वैल्यू में ए भी बाहर आ गया और एम 3 times था, तो एम स्केयर बाहर आ गया, बाकी वहां कितने तक टाइम एम बच गया? 1 time. तो यहाँ क्या आ गया? एम माइनस. अब ए एम स्केयर सारा बाहर आ गया, तो बाकी यहाँ क्या बच गया? 1. अब सेकेंड में पास टू वैल्यूज है, माइनस एम प्लस 1. अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 1 इन दोनों में से कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि 1 एम जार 1 एंड 1 1 जार 1. हमने बाहर कॉमन के ले लिया माइनस 1. जब 1 कॉमन लिया, इधर हमारे पास क्या बच गया? एम, और बाहर माइनस था तो 1 के साथ जो प्लस था तो माइनस प्लस माइनस, और अंदर बाकी क्या आ गया? 1. अब देखिए, हमारे पास टू वैल्यूज आ गई. फर्स्ट क्या होगी? ए एम स्केयर इंटू एम माइनस 1, और सेकंड क्या है? माइनस 1 इंटू एम माइनस 1. अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एम माइनस 1 इन दोनों वैल्यूज में कॉमन है. टेकिंग एम माइनस 1, एम माइनस 1 बाहर आ गया, बाकी फर्स्ट वैल्यू में देखिए एम माइनस 1 बाहर आ गया, बाकी वहां क्या बच गया? ए एम स्केयर, और सेकंड में भी एम माइनस 1 बाहर आ गया, तो बाकी वहां क्या बच गया? माइनस 1. सो दिस इज योर आंसर, एम माइनस 1 इंटू ए एम स्केयर माइनस 1. क्वेश्चन नंबर 8. 4a² प्लस 12ab प्लस 9b². सॉल्यूशन: बाय यूजिंग द फार्मूला ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर. हमने इस क्वेश्चन में ये फार्मूला कंप्लीट करना है. फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे? ए का स्केयर बनाएंगे, फिर बी का स्केयर, और सेंटर में 2ab. अब देखिए, क्वेश्चन में आपका फर्स्ट वैल्यू क्या है? 4a². मुझे बताइए, 4 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्केयर है 2 का स्केयर? 2 2 4. तो हम इसको यूं राइट कर सकते हैं, 2a का होल स्केयर. अब लास्ट वाली वैल्यू क्या है? 9b का स्केयर. 9 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्केयर है 3 3 9? तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 3b का होल स्केयर. फॉर्मूले में पास दो चीजें बन गई, ए स्केयर बन गया और बी स्केयर. अब सेंटर में हमने क्या बनाना है? प्लस 2ab. फॉर्मूले का प्लस 2 आ गया, अब ए की जगह क्या आएगा? फर्स्ट देखिए, हमने क्या बनाया था? 2a का होल स्केयर. तो जो अंदर वाली वैल्यू है वो a, और ऊपर स्केयर, और लास्ट पे था 3b, तो ये हो गया b और ऊपर उसका स्केयर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a की जगह 2a और b की जगह 3b. फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर. अब इसको क्लोज करते हैं. क्लोज किसका है? फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्केयर. तो यहाँ a हमारे पास क्या है? 2a, और b क्या है? 3b. तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 3b का होल स्केयर. स्केयर का मतलब है ये वैल्यूज 2 times मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे हम लिखते हैं 2 square, तो दैट्स मीन 2 multiplied by 2. इसी तरह 2a प्लस 3b का होल स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं 2 times, 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. x² माइनस ब्रैकेट p प्लस q ब्रैकेट x प्लस pq. पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. सॉल्यूशन: x² एज इट इज, पहले ब्रैकेट ओपन करें, माइनस पी ने किससे मल्टीप्लाई होना है? एक्स से. तो क्या आ गया? माइनस पी एक्स. नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस, और क्यू ने भी किससे मल्टीप्लाई होना है? एक्स से. तो क्या आ गया हमारे पास? माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू. अब फोर वैल्यूज है कि चारों में कोई ऐसा नंबर है जो चारों वैल्यूज में कॉमन है? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है. तो हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे, देन 3 और 4 में से कॉमन लेंगे. फर्स्ट टू में देखिए हमारे पास क्या वैल्यूज है? x², और सेकेंड वैल्यू क्या है? माइनस पी एक्स. तो दोनों में क्या कॉमन है? फर्स्ट में x 2 time है और सेकंड में x 1 time है. तो दैट्स मीन x 1 time हम कॉमन ले सकते हैं. तो बाहर क्या आ गया? x. अब देखिए, फर्स्ट वैल्यू में x 2 times था, 1 time x बाहर आ गया, बाकी कितने दफा x बच गया वहां पे? 1 time. तो यहाँ क्या आ गया? x माइनस सेकंड वैल्यू में पी एक्स था, x बाहर आ गया, बाकी वापस यहाँ पे क्या बच गया? p. तो यहाँ क्या आ गया? p. अब थर्ड और फोर्थ वैल्यू में देखिए, थर्ड वैल्यू क्या है? माइनस क्यू एक्स प्लस फोर्थ वाली क्या है? पी क्यू. देखिए दोनों में से क्या नंबर कॉमन है? क्यू कॉमन है दोनों में से. तो हम क्या लेंगे? माइनस क्यू आ गया. देखिए फर्स्ट वैल्यू में से क्यू बाहर आ गया, बाकी वहां क्या बच गया? एक्स माइनस प्लस माइनस. सेकेंड वैल्यू में था पी क्यू, क्यू बाहर आ गया, तो बाकी वहां क्या बच गया? पी. अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्स इंटू एक्स माइनस पी माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस पी. टू वैल्यू में देखिए, फर्स्ट वैल्यू में और सेकेंड वैल्यू में दोनों में क्या कॉमन है? एक्स माइनस पी दोनों में कॉमन है. हम कॉमन ले सकते हैं x माइनस पी.
टेकिंग कॉमन एक्स माइनस पी, बाहर क्या आ गया हमारे पास एक्स माइनस पी, फर्स्ट वाली वैल्यू में एक्स माइनस पी बाहर आ गया, बाकी यहाँ क्या बच गया एक्स, और सेकेंड वाली वैल्यू में भी एक्स माइनस पी कॉमन आ गया तो बाकी यहाँ क्या बच गया क्यू, और आंसर क्या आ गया ब्रैकेट एक्स माइनस पी इन टू एक्स माइनस क्यू. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस ब्रैकेट सी प्लस ए इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर. सोल्यूशन, आपके पास कितनी वैल्यूज है, फर्स्ट वाली क्या है ए प्लस बी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, और सेकेंड वाली क्या है बी प्लस सी ब्रैकेट इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, और थर्ड वाली क्या है ब्रैकेट सी प्लस ए इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर. देखिए तीनों वैल्यूज में कौन सी अमाउंट है, कौन सी वैल्यूज हमारे पास कॉमन है तीनों में, तीनों में हम कॉमन ले सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर. टेकिंग कॉमन पी प्लस क्यू प्लस आर, जो हमने कॉमन लिया वो बाहर आ गया पी प्लस क्यू प्लस आर. अब देखिए फर्स्ट वैल्यू में पी प्लस क्यू प्लस आर हमारे पास कॉमन आ गया, बाकी फर्स्ट वैल्यू में यहाँ क्या बच गया ए प्लस बी, सेम एज इज. सेकेंड में हमारे पास पी प्लस क्यू प्लस आर बाहर चला गया था, बाकी यहाँ क्या बच गया प्लस बी प्लस सी. थर्ड में भी सेम एज इज, पी प्लस क्यू प्लस आर बाहर आ गया, बाकी उधर क्या बच गया सी प्लस ए. फर्स्ट वाला पी प्लस क्यू प्लस आर एज इट इज, अब लाइक टर्म्स लिख लें ए प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी. फर्स्ट वाला पी प्लस क्यू प्लस आर एज इट इज, ए में प्लस क्या क्या आ गया वन ए एंड वन ए टू ए, सेम एज इट इज वन बी एंड वन बी टू बी एंड सी प्लस सी टू सी. देखिए इसमें हम तीनों में टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी में टू कॉमन ले सकते हैं. फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज ब्रैकेट पी प्लस क्यू प्लस आर, टू इन तीनों में कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास क्या बच गया टू यहाँ आ गया, अंदर क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी. हम इसको यू राइट कर सकते हैं टू इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप टुडेस टॉपिक आर नाउ क्लियर एंड यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट. सो नाउ दिस इज टाइम फॉर योर होम टास्क टू डू. सो वट यू हैव टू डू इज, make title page of unit number 10 and also do question number 3, question number 4, question number 6, question number 10 of exercise number 10A, unit number 10 on notebook. I hope today's lesson was helpful for you and you understood each and every point. So dear student, take care and thanks for watching video. Allah Hafiz.